नवी मुंबई अगले मॉनसून में डूब सकती है। टीवी वन इंडिया के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात का सबूत और चेतावनी देती है कि अगर MIDC ने गटर नालों पर भूमाफियों का कब्जा नहीं रोका तो नवी मुंबई को बाढ़ में डूबने से कोई बचा नहीं सकता। जी हां, नवी मुंबई के सर्विस रोड और यूटिलिटी भूखंड को बेच रही MIDC अब भूमाफियाओं की मदद से गटर नालों को पाट कर वहां तक भूखंड बेचना चाहती है। देखिए बड़ी खबर। थाने बेलापुर सर्विस रोड के बीच में जगह है, वो जगह को उधर पेड़ लगाए वो काट के भूखंड बना के बेचने का दलाल लोगों का काम है। आंदली तो पूरे नई मुंबई के MIDC के भूखंड की है। जितने भूखंड ये लॉकडाउन के दरमियान बिके हैं, आप अगर उसका खुलासा अगर MIDC से मांगो तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े मात्रा में धांधली हुई है। MIDC की धांधली का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नवीमुंबई के सर्विस रोड और यूटिलिटी भूखंडों को बेच रही ये वही MIDC है जिसके कारनामे का सबूत TV1 इंडिया पहले भी दिखा चुका है। जी हां, यह धांधली उसी MIDC की है जिसकी काली करतूतों का खुलासा कुछ दिनों पहले विधानसभा में BJP विधायक गणेश नाइक भी कर चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो MIDC के खाली पड़े यूटिलिटी भूखंडों और गटर नालों को भी अब अवैध तरीके से हड़पने में जुट गए हैं। जबाबदारी नहीं बोलतो, MIDC च्या त्या रीजनल ऑफिस मध्ये दलालांचं सुसुलाट आहे आणि तशा प्रकारचे दलालांच्या माध्यमातून जनतेच्या हिताच्या गोष्टींची न त्या ठिकाणी जाण ठेवता। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें MIDC और उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की नीयत की पोल खोलती हैं, जिनके नाक के नीचे और दिन दहाड़े महापा का यह गटर डेब्रिस से पाटा जा रहा है। यह इकलौती जगह नहीं है, महापे में जहां भी देखेंगे वहीं नाला और गटर कूड़े कचरे और डेब्रिस से पाटा जा रहा है ताकि यहां भूखंड बनाकर उसे बेचा जा सके। सूत्रों का दावा है कि MIDC ने पहले सर्विस रोड बेचने की कोशिश की और अब गटर नालों को पाट कर वहां भूखंड बेचने की तैयारी में जुटी है। इस वक्त मैं MIDC क्षेत्र महापे नाका पर खड़ा हूं और जैसा कि आप जानते हैं ये वो इलाका है जहां पर MIDC ने एक बड़ा नाला बनाया था ताकि बारिश के दौरान MIDC क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहाँ का पानी और स्टॉर्म वाटर यानी बारिश का पानी इस नाले के जरिए नवीमुंबई की खाड़ी में आसानी से पहुँच सके। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा नाला इस वक्त डेब्रिस से पाटा जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो इस पूरे नाले को, जो स्टॉर्म वाटर का नाला है उसको पूरी तरह से पानी से ये डेब्रिस से पाट रहे हैं? अब बिल्कुल छोटा सा इलाका बचा है और जाहिर सी बात है जिस तरह से इसमें डेब्रिस डालकर इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है, डेब्रिस डालकर जिस तरह से इस नाले की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसी बारिश के दौरान, इसी मानसून के दौरान MIDC का पूरा इलाका पानी में डूब सकता है। यहाँ के आसपास के इलाके स्टॉर्म वाटर की निकासी नहीं होने के कारण बारिश में डूब सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से MIDC के ऊपर है कि ये जो नाला बनाया गया है स्टॉर्म वाटर के लिए इसको वो खाली कराए और जो लोग डेब्रिज माफिया हैं, जो इस नाले को डेब्रिज से पाट कर उसको हथियाना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और ये बेहद जरूरी है क्योंकि मानसून बिल्कुल अब नजदीक में है। अगर ऐसे में MIDC क्षेत्र के नाले अगर इसी तरह से पाट दिए गए तो सोचिए जब भारी बारिश होगी उस दौरान किस तरह से यहाँ के क्षेत्र का पानी निकासी हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग वाटर की निकासी कैसे होगी। ये आने वाले समय में बड़ी मुसीबत का संकेत है जिसको MIDC अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना होगा। MIDC की धांधली की यह पहली कड़ी है। सर्विस रोड, बड़ा गटर और नाला, खाली पड़े यूटिलिटी भूखंड, ऐसे दर्जनों सबूत TV1 इंडिया के कैमरे में कैद हैं जहां भूमाफियाओं का कब्जा चल रहा है, फिर भी MIDC के अधिकारी उन पर मेहरबान हैं। जाहिर है गटर नाले बंद होंगे तो मानसून में कई इलाके पानी में डूब जाएंगे, इसलिए शहर बचाना है तो ऐसी धांधली पर अंकुश लगाना होगा।
एमआईडीसी की धांधली की यह पहली कड़ी है। सर्विस रोड, बड़ा गटर और नाला, खाली पड़े यूटिलिटी लैंड, ऐसे दर्जनों सबूत टीवी वन इंडिया के कैमरे में कैद है, जहां भूमाफियों का कब्जा चल रहा है और फिर भी ना जाने क्यों एमआईडीसी के अधिकारी उन पर मेहरबान है। जाहिर है अगर गटर नाले बंद हो जाते हैं तो मॉनसून में कई इलाके पानी में डूब जाएंगे, इसलिए ऐसी धांधली पर अंकुश लगाना होगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं ईशा दर्जी, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।